सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज हब स्टूडेंट। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी हिट कर देना। ओके, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कंपनी का। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। परपेचुअल सक्सेशन मीन्स एन एवरलास्टिंग एग्जिस्टेंस। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब इन्होंने क्या बताया कि हमारी जो एक कंपनी है उसकी एग्जिस्टेंस क्या है, एवरलास्टिंग है, बहुत लंबे समय तक चलने वाली है। कंपनीज एग्जिस्टेंस इज नॉट डिपेंड ऑन इट्स शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स। कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है, जैसे हमारी कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है ना, वैसे ही हमारी कंपनी की एग्जिस्टेंस उसके शेयर होल्डर्स की एग्जिस्टेंस और डायरेक्टर्स की एग्जिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती। कंपनी की एग्जिस्टेंस अपनी खुद की होती है, ठीक है। अ कंपनी नेवर डाइज, जैसे हमने हिंदी में एक वर्ड सुन रखा है ना, अमर, वैसे ही हम रिलेट कर सकते हैं, कंपनी हमारी मर नहीं सकती। आगे कुछ कंडीशन है, कंपनी हमारी ख़त्म भी हो सकती है, द कंपनी में कम्स टू एन एंड। आगे हम डिस्कस करेंगे कौन सा रीज़न है, पर अभी आप जो मैं पढ़ा रही हूँ, प्लीज़ आप उस पर ध्यान देना। इट्स लाइफ डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स मेम्बर। कंपनी की जो लाइफ है वो उसके मेम्बर्स पर डिपेंड नहीं करती है। कंपनी की लाइफ अलग है, उसके मेम्बर्स की लाइफ अलग है। कंपनीज क्रिएशन इज डन बाय लॉ एंड इट कैन पुट टू एन एंड ओनली बाय द लॉ। डायरेक्टर्स, मेंबर्स, शेयर होल्डर में कम एंड गो, बट द कंपनीज एग्जिस्टेंस गोज ऑन फॉर एवर। इन्होंने बोला कि कंपनी हमारी किसने बनाई थी, लॉ ने बनाई थी, तो उसको ख़त्म करने का राइट भी किसके पास है, लॉ के पास है। कंपनी के शेयर होल्डर्स, मेंबर्स या डायरेक्टर आए या फिर जाएं, उनसे कंपनी की जो लाइफ है उसके एग्जिस्टेंस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ओके, इट कंटिन्यूज इवन इफ ऑल द मेंबर्स आर डाइड, ऑल द मेंबर्स गेटिंग इंसॉल्वेंट, इवन ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर किल्ड बाय द बॉम्ब ब्लास्ट इन अ जनरल मीटिंग। द कंपनी सर्वाइव्ड, नॉट इवन अ बॉम्ब ब्लास्ट कैन अफेक्ट द कंपनी एग्जिस्टेंस। मतलब इन्होंने बोला कि कंपनी की जो भी एग्जिस्टेंस है उसके मेंबर्स पे डिपेंड नहीं करती। चाहे हमारी कंपनी के सारे मेंबर्स मर जाए, चाहे हमारी कंपनी के सारे मेंबर्स इंसॉल्वेंट हो जाएं, या फिर एक जनरल मीटिंग में बॉम्ब ब्लास्ट के थ्रू ही हमारी कंपनी के सारे मेंबर्स को ख़त्म कर दिया जाए, हमारी कंपनी तब तक भी सर्वाइव करेगी। मतलब तब भी हमारी कंपनी सर्वाइव करेगी, कंपनी लास्ट फॉर एवर। ओके, द कंपनी सेम एज रिवर विच रिमेन्स अनएफेक्टिव। मतलब कंपनी को इन्होंने एक तरीके से रिलेट करा है किससे, रिवर से। द रिवर फ्लोज विद अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन इन द वे द कंपनी कैन सर्वाइव, इट्स एग्जिस्टेंस इज एवरलास्टिंग विच नेवर एंड्स। मतलब कंपनी को रिलेट करा है रिवर से, और जैसे कि हमारी कंपनी बहुत सारे पोल्यूटेंट के साथ बहती रहती है ना, कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, पर हमारी जो रिवर है वो कभी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। वैसे ही हमारी कंपनी है, उसके अंदर मेंबर्स आते जाते रहेंगे, पर हमारी कंपनी हमेशा एवरलास्ट।